नमस्कार। भारत सरकार ने अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए नए वायुसेना प्रमुख की घोषणा कर दी है। MiG-29 के फाइटर पायलट एयर मार्शल VR चौधरी 27वें वायुसेना प्रमुख होंगे, जो 1 अक्टूबर को अपना कार्यभार संभालेंगे। चौधरी मौजूदा वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की जगह लेंगे, जो इसी महीने 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, सरकार ने नए वायुसेना प्रमुख के तौर पर मौजूदा वाइस एयर चीफ VR चौधरी को चुना है। VR चौधरी ने वायुसेना में 1982 में वो शामिल हुए थे और फाइटर स्ट्रीम से वो ताल्लुकात रखते हैं। वो MiG-29 फाइटर जेट के पायलट रह चुके हैं और पिछले 39 साल के करियर में कई कमान और स्टाफ नियुक्तियां ले चुके हैं। चौधरी फिलहाल उप वायुसेना प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो एयरफोर्स अकेडमी में इंस्ट्रक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बता दें, VR चौधरी अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते रहे हैं। नए एयर चीफ मार्शल होंगे VR चौधरी। पूरा नाम विवेक राम चौधरी, पत्नी का नाम नीता चौधरी, बच्चे 2। सर्विस भारतीय वायुसेना, सर्विस 29 दिसंबर 1982। हाल ही में एक वेबिनार में बोलते हुए चौधरी ने साफ तौर से कहा था कि इसरो की सैटेलाइट वायुसेना की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। VR चौधरी की माने तो भारत में पूरा स्पेस इकोसिस्टम सिविल प्रणाली का है, इसमें सेना की भागीदारी कम है। ऐसे में देश में सशस्त्र सेनाओं के लिए नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी की कमी है। जानकारी देते चले कि PM मोदी लगातार सेनाओं को मजबूत कर रही हैं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने सितंबर 2019 में वायुसेना प्रमुख का पद संभाला था। भदौरिया को जून 1980 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में शामिल किया गया और वो कई पदों पर रहे। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के पूर्व छात्र भदौरिया ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार भी जीता है। करीब 4 दशक की सेवा के दौरान भदौरिया ने जगुआर स्क्वाड्रन और एक प्रमुख वायुसेना स्टेशन का नेतृत्व किया। इसके अलावा उन्होंने GPS का इस्तेमाल कर जगुआर विमान से बमबारी करने का तरीका ईजाद किया और अब उनकी जगह लेंगे VR चौधरी। देखना होगा आगे भारतीय वायुसेना को चौधरी कहां तक लेके जाते हैं।